स्थानों में। देखिए मंडल साहब की जयंती है, पहले सभी साथियों को बधाई और मंडल साहब को नमन। और मंडल साहब एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है जो कि फूले, साहू जी महाराज, अम्बेडकर, तमाम जो धारा चली आ रही है पेरियार, उसके प्रतिनिधि हैं। और एक उनके जीवन का वाक्या सुना के अपनी बात कहूँ कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो बरौनी में पेट्रोल का जो है वहाँ पे सेंटर है ये, तो वहाँ पे रिस के गंगा में आग लगी। तो बिहार विधानसभा में एक झा साहब जो विनोदानंद झा थे, उन्होंने कहा था कि जब शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग ही लगेगा ना। तो जाति है कि जाति नहीं, मंडल साहब के 40 रिकमेंडेशन थे, तो 40 रिकमेंडेशन में से दो ही अभी पार्शियल रूप से लागू हुए। प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में पिछड़ा कहते हैं कि मैं भी पिछड़ा हूँ, मैं पिछड़ा हूँ। सोशल मीडिया पे अभी दबाव बना, आप सब ने देखा तो नीट में रिजर्वेशन की बात आई, लागू हुआ। अब जाति जनगणना पे आप जैसे साथी और तमाम ऐसे लोग दबाव बना रहे, तो एक माहौल बन रहा है कि जाति जनगणना होगी। जब पेड़ पौधों की गिनती हो रही है, शेर चूहों की गिनती हो रही है, तो इतना बड़ा समुदाय है, इसकी गिनती क्यों नहीं। और अगर वाकई मंडल साहब को आदरांजलि देनी है तो उनके जितने रिकमेंडेशन हैं उनको टोटालिटी में इम्प्लीमेंट करना होगा, आज नहीं तो कल। ये तो एक वास्तविकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं अम्बेडकर के एक भाषण का जिक्र करने वाला हूँ जो 1944 में उन्होंने मद्रास में दिया था, कि गैर ब्राह्मण दल संख्या में ताकतवर होते हुए भी ब्राह्मणवाद से विजय नहीं पा सका। तो जैसे स्टालिन ने अभी मंदिरों में वहाँ डेमोक्रेटाइज किया है, ये भी जाति जनगणना की ओर कदम है। पूरा डेमोक्रेटाइजेशन किया है टेम्पल्स का, पब्लिक मनी से चल रहा है, तो उसमें ब्राह्मण पुजारी क्यों। हमने अभी एक एपिसोड किया था जिसमें हरियाणा के RTI से आया है कि वहाँ एक मंदिर में, मनसा देवी मंदिर में 18 पुजारी हैं और 18 के 18 ब्राह्मण हैं। राज्य सरकार के कंट्रोल में 3 वहाँ पे ट्रस्ट हैं जो राज्य सरकार के कंट्रोल में चलाते हैं। तो जब आप वोट लेना होता है तो दलित को भी हिंदू बनाते हैं, पिछड़ों को भी हिंदू बनाते हैं, पुजारी बनाना होता है तो हिंदू सिर्फ ब्राह्मण कैसे, ये सवाल उठता है। तो चलिए हम कोई धर्म माने ना माने, सबकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन धर्म है तो उसका डेमोक्रेटाइजेशन जरूरी है। इसलिए महार आंदोलन और काला राम टेम्पल आंदोलन डॉक्टर अम्बेडकर ने चलाया था, तो ये एक अच्छा कदम है। नीट का सवाल को भी उठाया जा रहा है। दूसरा, ये सवाल 1917 से लेकर 1937 तक मद्रास में गैर ब्राह्मण दल बहुत शक्तिशाली था, पावरफुल था, 37 में हार हुई। उसी तरीके से हम तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उत्तर भारत में जो कि सामाजिक न्याय आंदोलन का गढ़ था, बिहार में 20-25 साल तो सामाजिक न्याय वालों की शासन रही, तब भी वहाँ पर ब्राह्मणवाद हावी कैसे हो गया। ये तमाम बातें हैं, अपना भी इंट्रोस्पेक्शन करना है और आगे समाज कैसे बढ़े इसके लिए आंदोलन भी चलाना है। शुक्रिया, थैंक्स। सर जो अभी वर्तमान स्थिति है, क्या सामाजिक न्याय मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा, इसीलिए तो आंदोलन तेज हो रहा है। अगर जैसे स्टालिन वहाँ पे अड़ के खड़े हो गए तो बात बनी ना, हम लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे। अब यहाँ स्टालिन वहाँ मंदिर में गैर ब्राह्मण पुजारी बना रहा है और यहाँ आप विष्णु मंदिर और परशुराम का मंदिर बना रहे हो, तो जब वैकल्पिक संस्कृति नहीं खड़ा करोगे, वैकल्पिक विचारधारा नहीं खड़ा करोगे, तो फिर कैसे आप सामाजिक, उन्हीं के अगर जाकर ट्रैक पे आप चल रहे हो, उन्हीं के टर्फ पे आप बैटिंग करोगे, तो इन स्विंग आउट स्विंग तो वही कराएंगे। तो आपको पहले ये बुनियादी तौर पे मानना पड़ेगा कि हमारे और उनके जो वैचारिक जो पृष्ठभूमि है और सामाजिक अलग अलग है, तो ये हमारे नेताओं को समझना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि अब बिहार से अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव, 10 नेता जाकर 11 नेता 10 पार्टी के प्रधानमंत्री से मिले। तो देखिए, जिसका समाज जगा होता है ना, उसकी राजनीति भी जीवित होती है। तो समाज को जागृत करने का काम नेताओं ने नहीं किया, तो आप जैसे लोग सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं, तो इसका दबाव नेताओं पे पड़ रहा है। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन होगा जरूर। सर, आपने बिहार के नेताओं की बात करी, जैसे वो दिल्ली आते हैं तो NDTV के पत्रकार हैं उपाध्याय जी, संकेत उपाध्याय जी, वो लिख रहे हैं कि जनगणना पे इतना ज्यादा जोर क्यों है नेताओं का। अभी उनको शायद पता नहीं कि 2006 में मीडिया घरानों का हमें सर्वेक्षण हुआ, तो उस पर अभी हम एक सीरीज चलाने वाले 10 एपिसोड मीडिया और जनऊ लीला 1, 2, 3। तो उनके माथे में जनऊ लपेटा हुआ है, क्या कहा जाए। वो इशारों इशारों में
एपिसोड बनाते हैं, लेकिन इशारों में जनऊ लीला भी कर जाते हैं, तो उनमें विस्तार से चर्चा कभी बाद में करें। तो क्या सर जनगणना होगी जाते हुए? लग तो रहा है, आप अगर दबाव बनाए रखेंगे, चाप के रखिए, होगी जनगणना, और क्यों नहीं होगी। सर जिस तरह से दलित अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं सड़क पर आकर के, लेकिन उस तरह से क्या लगता है कि ओबीसी जो बहुत बड़ा तबका है वो सड़क पे क्यों नहीं आता है, कहाँ कमी रह रही है? इसका कारण बहुत सारा है, आज का दिन उस पर चर्चा करने का नहीं। दलित भी अकेले लड़के कोई लड़ाई जीत नहीं सकता है, जबकि लार्जर समाज उसके साथ खड़ा ना हो, संख्या बल की बात है ना। अब दलितों के पास ना जमीन था ना खाने के लिए था, मिला जुला के रिजर्वेशन था, पढ़ वर्ग के थोड़ा सा बुद्धि विवेक का विकास किया, थोड़ा सा स्कूल ऑफ थॉट बनाया, उसको थोड़ा समझ पड़ी। इसलिए आप देखते हैं कि फुले जी को या साहू जी महाराज को पहले अंबेडकर साहब ने एक्सेप्ट किया, कांशीराम जी ने एक्सेप्ट किया। पिछड़ा समाज के पास संपन्न रहे, जमीन रहा है, गाय भैंस रहा है, पैसा रहा है, और अनटचेबिलिटी का स्टिग्मा भी नहीं रहा, तो थोड़ा सा 90 के बाद जैसी मंडल कमीशन जब आया तो उसी समय देखें कि निजीकरण का प्रोसेस भी शुरू हो रहा है। तो जनऊ लीला था उसमें कि जब पढ़ेगा तभी तो आप वैचारिक विमर्श करेंगे, तो अभी पढ़ने के दरवाजे खुले ही नहीं थे तब तक आपने निजीकरण शुरू कर दिया, तो इसलिए उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, संदर्भों का खाली खेल। सर मध्य प्रदेश में चूड़ी वालों को पीट दिया जाता है, जाहिर पूरे देश में पीटा जा रहा है, महाराष्ट्र में 7 दलितों की लिंचिंग हुई है, ये भी है। तो कहने का मतलब है कि समाज जब जब ओबीसी अधिकार की बात करेगा तब तक आप देखिए कमंडल होगा, मॉब लिंचिंग होगी, हिंदू मुसलमान होगा, इस खेला को लीला को समझिए, इसी को हम जन्म। सर आपने अभी कहा कि मंदिर में हिस्सेदारी मिल रही है साउथ में, तो क्या मंदिर में हिस्सेदारी चाहिए ओबीसी समाज? नहीं नहीं ऐसा है, अब डॉक्टर अम्बेडकर तो हिंदू धर्म छोड़ने की कल्पना बहुत लिखे हैं वो, लेकिन अगर कोई आदमी मानता है किसी धर्म को तो संवैधानिक रूप से इसका डेमोक्रेटिक राइट है कि इसको वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिले, हम माने ना माने मेरी बात छोड़ दें, लेकिन अगर कोई मानता है तो उसको मंदिर में जाने का, पूजा करने का, उसको मस्जिद में जाने का, उसको गिरजाघर में जाने का, और उसको तमाम पुजारी बनने का राइट होना चाहिए। ये बात व्यक्तिगत बात छोड़ दीजिए।